नमस्कार दोस्तों मैं आपके साथ विकास कुमावत आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट टू की जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उनके टॉपिक भी हमने डिस्कस किए थे तो आज हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब वह जहाज का स्तर क्या होगा यानी कि एक जहाज है जो अभी नदी में चल रहा है और अब कहाँ आएगा समुद्र में तो दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर तैरने के लिए तो तैरने का जब भी नाम आया तो एक वर्ड उसके पीछे आता है घनत्व तो अब हम बात करते हैं नदी के पानी के घनत्व की और समुद्र के पानी के घनत्व की तो आप सभी को पता ही होगा कि समुद्र का पानी लवणीय पानी, पानी होता है और इसके कारण समुद्र के पानी का घनत्व भी ज्यादा होता है अब मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है और मैंने आपको कल जैसा कि बताया था कि हमें किसी भी माध्यम में तैरने के लिए उस माध्यम का घनत्व हमारे घनत्व से अधिक होना चाहिए यानी जो भी वस्तु किसी माध्यम में अगर तैरना चाहती है तो उस वस्तु का घनत्व उस माध्यम के घनत्व से कम होना चाहिए मतलब माध्यम का घनत्व जितना ज़्यादा रहेगा उतने ही तैरने में आसानी रहेगी तो समुद्र का पानी का घनत्व तो अधिक है तो समुद्र के पानी का घनत्व तो अधिक है तो जहाज थोड़ा ऊपर उठकर चलता है और फिर बात करें नदी के पानी का घनत्व तो, तो नदी के पानी का घनत्व कम होता है इसलिए नदी में जहाज थोड़े डूब कर चलते हैं तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि अभी वह कहाँ चल रहा था नदी में और फिर उसके बाद वह आ गया समुद्र में तो नदी में थोड़ा दबा हुआ चलेगा यानी थोड़ा डूब कर चलेगा और फिर जब समुद्र में आएगा तो घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण वह कहाँ आ जाएगा ऊपर तो हमारा आंसर हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर आएगा यानी जहाज कहा तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 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 बल है, बल गुणनफल गुणनफल यानी किन किन चीजों का है। तो बात करते हैं बल की तो बल यानी फोर्स तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण जैसे कि एफ बराबर एम ए यहां एफ हो गया फोर्स एम हो गया उस बॉडी का मांस जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और ए हो गया एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण यानी वह वस्तु किस त्वरण से गति कर रही है तो हमारा आंसर हो जाता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण तो बल द्रव्यमान और त्वरण दोनों का गुणनफल है अब यहां पर बात आती है कि द्रव्यमान का मात्रक तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड अब फिर हम बात करें कि बल का मात्रक क्या होता है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन हम इसे एन से डिनोट करते हैं बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी की कार्यात्मक इकाई है किडनी को वृक्क भी कहा जाता है तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है तो कार्यात्मक इकाई यहाँ की वह छोटी से छोटी इकाई जिससे किडनी मिलकर बनी हो और वह इसके कार्य में सुविधाजनक हो तो किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रोन तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी नेफ्रोन अब बात करते हैं वृक की यानी किडनी की तो किडनी हमारे शरीर का एक उत्सर्जी अंग है और यह एक जोड़ी होते हैं यानी एक पेयर होते हैं अब बात करें इसके आकार की तो इसका आकार राजमा के दाने के जैसा होता है अब फिर बात करें इसकी लंबाई की तो 10 से 12 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच होती है और दो से तीन सेंटीमीटर किडनी की मोटाई होती है अब बात करें इसके वजन की तो इसका भार होता है 120 से 170 ग्राम किडनी का रंग भूरा लाल कलर का होता है अब फिर बात करें कि इसके दो भाग होते हैं एक होता है बाहरी भाग जिसे कोर्टेक्स के, के नाम से जाना जाता है इस भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स और एक भाग होता है आंतरिक भाग इस भाग को कहा जाता है मेडुला तो इस प्रकार किडनी के दो भाग होते हैं तो इस क्वेश्चन का यानी हमारे किडनी की कार्यात्मक इकाई हो गई नेफ्रोन हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में विभिन्न गैसें मौजूद हैं जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद हैं तो बात करें कि सबसे अधिक मात्रा में तो सबसे अधिक मात्रा में होती है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जिसका परसेंटेज लगभग होता है 78% परसेंट के लगभग हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है फिर हम इसके बाद बात करें कि ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है तो ऑक्सीजन होती है 21 परसेंट और फिर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है तो कार्बन डाई ऑक्साइड होती है जीरो पॉइंट जीरो फिर हम बात करें ऑर्गन की तो ऑर्गन होती है जीरो पॉइंट नाइन फाइव परसेंट के लगभग तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए नाइट्रोजन जो कि सेवेंटी एट परसेंट यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस यहां आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आर्गन एक अक्रिय गैस है शून्य समूह की गैस है पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाला समूह अक्रिय गैसों का है जिसमें हीलियम नियोन, आर्गन क्रिप्टोन जेनोन और रेडोन गैसे आती हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है तो हीमोग्लोबिन मुख्य घटक है लाल रक्त कणिकाओं का यानी रेड ब्लड सेल जिनको आरबीसी भी कहा जाता है और इनका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट दोस्तों वैज्ञानिक नाम ध्यान में रखना एग्जाम में पूछा जाता है तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स जहां पर भी साइट्स लिखा आए उसमें बात हो जाती है कोशिकाओं की क्योंकि कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी तो आरबीसी का नाम हो गया एरिथ्रोसाइट फिर हम इसके अलावा बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं की यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की तो इनका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स अब आपको याद आ रहा होगा कि हमारे रक्त में इन दोनों के अलावा एक और चीज़ पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं रुधिर प्लेटलेट्स के नाम से हम उन्हें बुलाते हैं और उनका नाम होता है थ्रम्बोसाइट्स तो ये तीनों के नाम याद रखना दोस्तों और फिर बात करें हमारे ऑप्शन के हिसाब से प्लाज्मा की तो प्लाज्मा हमारे रक्त का बहुत बड़ा भाग है यानी हमारे रक्त में टोटल नब्बे परसेंट तक प्लाज्मा पाया जाता है अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक यानी चेचक को बोला जाता है चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है तो अब बात करते हैं पोलियो और चेचक की तो सबसे पहले बात करते हैं चेचक की जिसे बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और यह एक जनित यानी वायरस से होने वाला रोग है इसमें हमारे शरीर पर लाल लाल चकते पड़ जाते हैं और इसके वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस अब फिर बात करते हैं पोलियो की तो पोलियो भी एक विषाणु जनित रोग है वायरस से होने वाला रोग है और इसके लिए टीके भी लगाए जाते हैं हमारे भारत में से अब पोलियो लगभग खत्म हो चुका है परंतु अभी भी हमारे भारत में पोलियो के टीके लगाए जाते हैं क्योंकि यह एक वायरस से होने वाला रोग है इसलिए इसका संक्रमण फैलने का डर हमेशा बना रहता है तो हमारा आंसर हो गया तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी विषाणु ये दोनों पोलियो और चेचक वायरस से होने वाले रोग हैं और फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है तो आवृत्ति होती है एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या जैसे कि ये हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ कंपन्स ज्यादा है और ये लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ कंपन्स कम है तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ड्स हर्ड्स एक वैज्ञानिक है इनका पूरा नाम था हेनरिक हर्ड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलिज मच्छर के कारण होती है तो बात करें मादा एनाफिलिज मच्छर की तो इसके काटने से एक रोग होता है जिसका नाम है मलेरिया और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है और मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से एक और रोग होता है और खास बात यह है कि उसमें भी फीमेल मच्छर ही रोग फैलाती है जैसे आपने नाम सुना होगा डेंगू तो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू रोग और मादा एनाफिलिस के काटने से होता है मलेरिया तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा और विलियम हार्वे ने यह बताया था रक्त परिसंचरण यानी कि रक्त हमारे शरीर में किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्भारिक क्या है तो सम्भारिक यानी कि ऐसे दो तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन उनका परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान एक समान हो जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिखने को मिल रहा होगा आर्गन का परमाणु क्रमांक है अट्ठारह और परमाणु भार है चालीस ऐसे ही कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है बीस और परमाणु भार है चालीस यानी इन दोनों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है परंतु इनके परमाणु द्रव्यमान एक समान है तो ये दोनों हो गए सम तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है तो मरीचिका या मृग तृष्णा इंग्लिश में इसको मिराज भी कहा जाता है दोस्तों ये नाम याद रखना मैंने इसलिए क्वेश्चन में एड किया है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मृग मरीचिका तो हमने पढ़ा हुआ होता है परंतु मृग तृष्णा हमें कहीं देखने को नहीं मिलता तो आप सभी लोग याद रखना कि मृग तृष्णा मृग मरीचिका को ही कहा जाता है तो अब ये होता क्या है जैसे कि आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि हमें दूर कहीं देखने पर ऐसा दिखाई देता है या ऐसा भ्रम होता है कि आगे पानी भरा हुआ है जैसे हम गर्मियों के दिनों में सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर भी हर, हमें इस प्रकार से दिखाई देता है कि आगे पानी है तो ये एक प्रकाश के गुण के कारण होता है और प्रकाश के उस गुण का नाम है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी और इस घटना में यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम से विरल माध्यम रेयर मीडियम में जाती है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट यानी स्टमक में स्त्रावित होता है तो हमारे पेट में स्थावित होने वाले कई सारे एसिड हैं जैसे कि एक तो होता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए एस सी एल अब इसके अलावा हम बात करें स्टमक की तो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा हमारे शरीर का एक भाग है जो हमारे पाचन तंत्र का एक अंग है और इसका आकार लगभग जे आकार का हमें दिखाई देता है एबीसीडी में जिस प्रकार हम जे लिखते हैं बस ऐसा ही इसका आकार हमें दिखाई देता है अब फिर हम बात करें कि जठर ग्रंथियाँ स्टमक में ही पाई जाती हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती हैं अब जठर रस का स्त्रावण होता है जठर ग्रंथियों से और जठर रस का पीएच मान लगभग 1.5 से 2.5 यानी जठर रस एक हेवी एसिड के रूप में काम करता है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसएल वह भी एक हेवी एसिड है और ये दोनों मिलकर भोजन को छोटे-छोटे भागों में तोड़ देते हैं और पाचन में सहायता प्रदान करते हैं अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का भार कितना है यानी हमारा जो हार्ट होता है उसका वेट कितना है तो हमारे हार्ट का वेट 300 से 350 ग्राम के लगभग होता है हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी और फिर बात करें हृदय की तो हृदय हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग होता है यानी सबसे बिजी ऑर्गन्स होता है हमारी बॉडी का हमेशा काम करता रहता है एक मिनट में लगभग बहुत बार ये धड़कता है और हमारे हृदय में ब्लड की पंपिंग होती है यानी कि हमारे ब्लड को हृदय के द्वारा पंप किया जाता है जिसकी सहायता से रक्त हमारी बॉडी में फैलता है फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायराइड ग्रंथि का एक और नाम अवाटू ग्रंथि भी है और इसी के द्वारा हमारे रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा अब यहाँ पर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रक्तचाप है ब्लड प्रेशर है वह किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमेनोमीटर की सहायता से जांचा जाता है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ हैं तो हमारी बॉडी के द्वारा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हमारे पास रखते हैं फिर एक होता है यूरिया जो हमारे मूत्र यानी यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से हम बाहर निकाल देते हैं हम और हमारे यूरिन में सबसे ज़्यादा यूरिया ही पाया जाता है यूरिया एक नाइट्रोजनीकृत पदार्थ है तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू विट्रियोल क्या है तो ब्लू विट्रियोल को नीला कशिश के नाम से भी जाना जाता है और इसे नीला थोता भी कहा जाता है तो नीला थोता का सूत्र होता है सी यू एसओ फोर डॉट फाइव एस टू ओ यानी कि कॉपर सल्फेट हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए अब इसके अलावा दो कशिश और होते हैं एक होता है हरा कशिश जिसका फॉर्मूला होता है FeCO4.7H2O सी ओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ और फिर एक होता है श्वेत कशिश जिसका फार्मूला होता है डॉट सेवन एच टू ओ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सबसे छोटा कण किसे कहा जाता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है एटम यानी परमाणु तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी परमाणु और परमाणु सबसे छोटा भाग होता है वैज्ञानिक डाल्टन के द्वारा बताया गया कि एटम को हम और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं और परमाणु में एक नाभिक होता है जिस पर धनावेश होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा धनात्मक आवेश भाग क्या कहलाता है तो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है और न्यूक्लियस पर हमेशा धन आवेश होता है मैं आपको बताता हूं धन आवेश कैसे क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटोन और इसके साथ पाया जाता है न्यूट्रॉन तो जिसमें से प्रोटोन पर होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है इसी प्रकार नाभिक पर हो जाता है प्लस चार्ज तो वह छोटा सा भाग परमाणु का वह छोटा सा भाग जो है केंद्र में है और उस पर होता है धनावेश और उसका नाम है नाभिक यानी न्यूक्लियस और बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं और इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश को कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कुलाम हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी गुलाम एक वैज्ञानिक थे इन्होंने एक नियम भी दिया है जिसको कहा जाता है गुलाम का नियम गुलाम का नियम यह कहता है कि भी दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है गुलाम के द्वारा यह नियम दिया गया था अब फिर बात करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए तो विद्युत प्रतिरोध तो सबसे पहले बात करें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है ओम मीटर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में कई सारे योगदान दिए तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और और भी आपको साइंस में जो टॉपिक पढ़ना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत